हाँ तो दोस्तों लाइफ में सभी चीज़ों का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसलिए आज हम आपके सामने लाए हैं ताश प्लेइंग कार्ड ठीक ना तो देखिए ये दीपावली का जो, जो मौसम होता है इसमें कुछ लोग ताश खेलना पसंद करते हैं तो वैसे तो ताश नहीं खेलना चाहिए लेकिन हमें सभी चीज़ों की जानकारी रखनी चाहिए तो टेंथ के क्लास में प्रॉबिलिटी में आप देखेंगे कि ताश से सवाल भी आते हैं तो आइए अब जहाँ हम जानते हैं कि ताश को कैसे खेला जाता है कौन कौन से नियम होते हैं इसमें जो पत्ते होते हैं उनके क्या नाम होते हैं तो देखिए इसमें कुल बावन पत्ते होते हैं कितने बावन फिफ्टी टू पत्ते होते हैं ठीक जिसे पत्ती भी बोलते हैं या फिर कार्ड भी बोलते हैं तो देखिए सबसे पहले दो अब मैं ए, इनका नाम भी बताते जाऊंगा आप कैमरा को थोड़ा सामने कर लेते हैं ठीक ना इसे देखिए दुगी बोलते हैं ठीक नंबर टू को दुगी उसके बाद नंबर तीन को तिगी नंबर चार को चौवा नंबर पांच को पंजा नंबर सिक्स को छक्का नंबर सेवन को साथी इसे आठी इसे नहला इसे दहला इसे गुलाम ठीक ना जे को गुलाम क्यू को बेगम के को बादशाह और ए को इक्का या फिर टेका ठीक ना आप इसे कोई भी नाम से पुकार सकते हैं तो देखिए इन ताश में इतने ही नंबर होते हैं इतने ही अंक होते हैं कितने आई जानते हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह ताश में कितने पत्ते होते हैं तेरह और तेरह जो है ना सभी के चार चार होते हैं यानी एक का चार गो हो गया बादशाह का चार गो हो गया बेगम के चार गुलाम के चार दहले के चार नहले के चार आठी के चार सब के चार चार हो जाते हैं तो हो जाते हैं हमारे टोटल बावन यानी तेरह चौके बावन ठीक टोटल बावन पत्ते हमारे हो जाते हैं अब आइए जानते हैं इसको खेल कैसे खेला जाता है ठीक तो देखिए वैसे ताश खेलना बुरी बात है और मैं भी नहीं खेलता हूँ मैं पहले खेला करता था जब मैं लगभग पंद्रह साल का था तब उसके बाद से ताश खेलना छोड़ दिया क्योंकि मेच्योरिटी मुझ में नहीं थी पहले ठीक ना तो वैसे तो एक जमाने में हम भी खिलाड़ी हुआ करते थे इसलिए मुझ में ये अदा है फेंटने के ठीक ना देखिए ताश को कैसे खेला जाता है देखिए इस प्रकार पहले खिलाड़ी ताश को मिला लेते हैं अच्छे से ठीक ना ये मत सोचिएगा कि मुझे खेलना ही है इसे बस सीख लीजिए खेलना नहीं चाहिए फिर से मैं बोल रहा हूँ ताश खेलना बुरी बात है इसका मैं विरोध करता हूँ लेकिन एक अनुभव के आधार पर मैं ये चीज सिखा रहा हूँ ये देखिए ये चीज हो गई दूसरा आदमी क्या करेगा इसे कट पत्ते बोलते हैं क्या करेगा आपसे इसे काटेगा ठीक और हम ऐसा पत्ता को फेंकेंगे अब ये देखिए ये आपका साइड हो गया ये मेरा साइड हो गया अब यहाँ पे हम निकालेंगे यानी ये आ गया नहला नहला अगर आपके साइड में गया तो आप जीत गए मेरे साइड में आया तो मैं जीत गया ठीक तो आइए देखते हैं क्या हो रहा है नहला किसके साइड में आ रहा है देखिए ठीक इसे कटपत्ती बोलते हैं कटपत्ती तो ये नहला किसके साइड में आ गया देखते हैं कितना दूर जाना पड़ता है देखिए ये अंतिम में नहला मेरे साइड में आ गया यानी कि मैं जीत गया अगर ये सपोज डेट आपके साइड में आ जाता ठीक ये नहला आपके साइड में आ जाता तो आप जीत जाते और जो ताश चलाने की बारी होती वो आपकी होती ठीक इसी प्रकार ताश खेलते हैं लेकिन मैं बोलता हूँ फिर से ताश नहीं खेलना चाहिए क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि ताश खेलने की जो बुराइयाँ होती हैं ना वो क्या होती हैं अब वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा कि ताश खेलने की क्या बुराइयाँ होती हैं अब जानते हैं दूसरा खेल पहला खेल हो गया हमारा कटपत्ती कटपत्ती कोई ऐसे को भी कर सकते हैं ऐसा कर लिए अंदर से कुछ ताश निकालें और इसको ऐसा कर दें और बोलते हैं बावन यानी कि बावन पत्ती में जो है उसे देखना है और हम ताश को कब देखते हैं जब दो पत्ते फेंक लेते हैं ठीक देखिए ये मेरा गुलाम था ये मेरे पक्ष में आ गया यानी हम जीत गए ठीक ना तो में एक अदा है क्योंकि मैं भी एक जमाने में खिलाड़ी हुआ करता था इसलिए इस बनना हो ना तो सभी चीजों की जानकारी रखना पड़ेगा चाहे बुरा हो चाहे भला हो ठीक ना ये चीज हो गया और एक बार कटपत्ती निकाल देता हूं देखिए इस प्रकार निकाल लिए है अब देख रहे हैं कि क्या आ रहा है देखिए इक्का है इक्का किसके साइड में आ रहा है देख रहे हैं देखिए ये आपके साइड में इक्का चला गया यानी कि आप जीत गए और अब आपकी चलाने की बारी हो गई फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे सही वीडियो ठीक है ना चलिए और एक खेल सिखाई देते हैं क्या बात है ठीक देखिए दूसरा खेल जो होता है वो होता है जुटपत्ती, कटपत्ती के बाद आते हैं हम झुटपत्ते वैसे तो बहुत सारा खेल होता है कॉल ब्रेक ब्रेक ठीक ना हजार तो हम सिप्मल अभी कटपते सीख जुटपत्ती तो जुट में क्या होता है पांच छह आदमी के आप खेल सकते हैं उसमें सभी को ताश ऐसे बांटा जाता है दस दस करके ठीक इस प्रकार करके हम बांट लेते हैं इस प्रकार सब कोई बांट लेते हैं और अपने अपने ताश जो होते हैं लेके दस दस हो गए ना गिन लेते हैं एक बार एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और एक करके बांटना है ये दस दस बांट ली अब आपको मैच करना होता है देखिए इस प्रकार कर लीजिएगा ठीक तो मैं बता रहा हूँ ताश खेलना कोई नहीं सिखा सकता क्योंकि एक ऑलराउंडर आदमी को सब कुछ सीखना चाहिए इसलिए मैं सिखा रहा हूँ वास्तव में मैं इसका विरोध करता हूँ ठीक है ना तो इस प्रकार आप देख लीजिए अब आपको मैच करना है देखिए बेगम बेगम दो है तो ये एक मेरा हो गया इसी प्रकार आपको पाँचों को मैच करना है फिर देखिए पंजा पंजा मेरा दो है यहाँ पे हम पहले मैच करके रख लेंगे अपना दो चीज़ मेरा मिल गया फिर देखिए चौबा चौबा मेरा दो है ठीक तो इस यानी तीन मेरा मिल गया अब देखिए अब क्या होगा सबको फिर से एक एक पत्ती हम लोगों को अपना अपना फेंकना होता है ठीक यहाँ पे तो पहले तो ये जो पहला आदमी होगा पहले ये फेंकेंगे ठीक ये अपना फेंक देंगे ये भी अपना फेंक देंगे और हम भी अपना एक फेंकेंगे चलिए मैं इसको फेंक देता हूँ प्लाट के फेंकना है सिर्फ ठीक ना और उसके बाद हम प्रत्येक आदमी एक यहाँ से उठाएगा ठीक यहाँ का जो बंडल है ताश का इससे उठाएगा ठीक तो चलिए सब कोई उठा लेगा जितना भी आदमी खेलते हैं उसके बाद मैं उठाऊंगा तो देखिए मेरा इक्का है कोई काम का नहीं रहा फिर से फेंकेंगे फिर उठाएंगे इसी प्रकार ताश खेला जाता है जोट पत्ती और सपोज दैट जो मतलब आ गया जैसे यहाँ से उठते उठते जैसे दहला को तो हम उठा लेंगे ठीक तो मेरा मिल गया इसी प्रकार जब मेरा पांच चीजें हो जाएंगे ना पांच चीजें मिल जाएंगी जैसे उठाते जाएंगे उठाते जाएंगे उठाते जाएंगे और इस प्रकार अगर मेरी पांच चीजें हो गई तो अभी मैं तुरंत दिखा देता हूँ ठीक है जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मेरा छक्का है जो कि शायद नहीं मिलने वाला है आप इसे चेंज भी कर सकते हैं देखिए जैसे तिघी आ गए हाँ तो मेरा पांच पत्ती हो गया हम जीत गए जिसका पहले मिलेगा वो जीत जाएगा देखिए तिघे तिघे दो है दहला दहला दो है चौका चौका दो है पंजा पंजा दो है बासा बासा दो है इस प्रकार जुट पत्ती होता है यानी इसको जुट में करना है जुट करना है ठीक इसे हम जुटपत्ती बोलते हैं तो ताश खेलने के अदा होती है सब कोई इसे खेलने में माहिर नहीं होता फिलहाल तो मेरा कॉल आ रहा है ठीक तो मैं तस्ट खेलने के बस आज इतना ही ठीक पसंद आए तो शेयर कीजिएगा दोस्तों को क्योंकि ऑलराउंड बन ऑलराउंडर आपको बनना है ठीक ना पूरा तो सब कुछ सीखना पड़ेगा बुरा भल्ला सब कुछ और इसका उपयोग केवल भले के लिए ही करना है अब मैं बताता हूँ कि ताश खेलने की क्या बुराइयाँ हैं अगर आप ताश खेल लेंगे ना तो चाहे जीतिए चाहे हारिए कभी भी आपको चैन नहीं मिलेगा ये मैं पंद्रह साल के एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ क्योंकि मैं पंद्रह साल ताश खेला हूँ अब नहीं खेलता हूँ क्योंकि मुझ में वो परिपक्वता वो मेच्योरिटी लेवल आ चुकी है मैं सीख गया हूँ कि ये मन को आपको जो है ना मोहित कर लेगा इसलिए ताश को मैं बोल रहा हूँ खेलने की दृष्टि से हाथ भी नहीं लगाइएगा तो दोस्त ताश खेलने से क्या होता है कि आप ना तो चैन से जीतेंगे फिर भी आपको जुआ बुलाएगा हारेंगे फिर भी आपको जुआ बुलाएगा और क्या होता है कि जितने भी लोग जुआ खेलते हैं ना मैं यकीन से बोल रहा हूँ उनमें से अधिकतर लोग अपने घर के बीबी बच्चों को रुला के पैसे लाते हैं क्या आपको लगता है कि उसके रुलाए हुए पैसे को आप ले करके अच्छे से कुछ कर पाएंगे ठीक ना कभी नहीं उसके रुलाए हुए पैसा आपको भी रुला देगा इसलिए जुआ कभी भी किसी का नहीं हुआ बोलते ना इनका जुआ किसका हुआ किसी का नहीं हुआ इसलिए यहाँ पे पहले ही फोटो दे दिया है जो करके देखिए क्यों कि खेलेंगे तो ये इस प्रकार आपकी हालत हो सकती है जब द्रौपदी द्वापर युग में द्रौपदी का वो हाल हुआ था ठीक ना पांडवों और कुरु में जब जुआ खेला गया था तब मालूम है कि द्रौपदी का क्या हाल हुआ था उस प्रकार तो हम लोग तो इंसान हैं यार जुआ खेलने से क्या क्या बुराई होंगी अब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं अब वीडियो पसंद आए ना तो सब्सक्राइब कीजिएगा जो बड़ी मेहनत किया हूँ धन्यवाद